हेलो स्टूडेंट्स, कैट कैम इंफिनिटी में आपका स्वागत है। इनेक्स एकेडमिक लेवल ट्रेनिंग का आज हमारा फिफ्थ क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉब्लम नंबर 9 देखा था और हमने उसमें कुछ टूल्स के शॉर्टकट की भी देखे थे कि कैसे उस टूल्स को कॉल करना है और उन सारे शॉर्टकट की का यूज करके कैसे हमने इस प्रोफाइल को भी बनाया था। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 देखेंगे और एक्सरसाइज नंबर 10 में देखिएगा, ये जो हमारा प्रोफाइल है एक सर्कुलर स्लॉट, देखिएगा ये हमारा सर्कुलर स्लॉट शेप का है। तो इस टाइप का जब भी प्रोफाइल है तो इसको हम लोग क्या अटेम्प्ट हमारा होना चाहिए उनको देखेंगे। एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर मैं सिंपली एक आर को ड्रॉ करके और इसे मैं ऑफसेट कर दूं तो इस प्रोफाइल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम लोग इससे एक सिंपल सा मेथड है और उसको हम लोग लेकर के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 3 डिफाइन कर दिया और डेस्कटॉप पे मेरा जो फोल्डर है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, और देखिएगा ये जो हमारा प्रोफाइल है एक्सरसाइज नंबर 10, इसमें हम लोग एक न्यू कंसेप्ट को आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो हमारा इनेक्स सॉफ्टवेयर है ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है और इसमें कुछ ऐसे प्रोफाइल हैं जो ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप डायरेक्ट उसको यूज करके आप अपने प्रोफाइल को बना सकते हो, जो भी आपको प्रोफाइल है, अगर वैसा प्रोफाइल अगर गिवन हो आपको तो डायरेक्ट आप उस प्रोफाइल को यूज करके आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे देखिएगा मैं यहाँ पे स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इस प्लेन को डिफाइन कर लिया, असेंबली मैंने प्लेन को डिफाइन कर लिया। अब मैं ये प्रोफाइल को मैं अभी डिफाइन ही करूँगा। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड में जो मेरा ये रिसोर्स बार है इसमें बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ असेंबली नेविगेटर है हमारा ये और ये कंस्ट्रेंट नेविगेटर और यहाँ पे जो अभी एट प्रेजेंट हम लोग हैं पार्ट नेविगेटर पे। तो आपको उसके बाद देखिएगा ये जो हमारा टूल बार है देखिएगा रीयूज लाइब्रेरी, तो यहाँ से हम लोग रीयूज लाइब्रेरी में इन करेंगे और रीयूज लाइब्रेरी में यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा 2D सेक्शन लाइब्रेरी का। देखिएगा 2D सेक्शन लाइब्रेरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे ऐसे 2D प्रोफाइल हैं जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो अगर जो भी गिवन प्रोफाइल है इससे अगर मैच करता हो। तो देखिएगा मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 यूनिट डिफाइन किए हुए हैं, इंच में और मैट्रिक में। बेसिकली हमें आपको अगर जो भी यूनिट हम लेना हो, लेकिन हमने अभी जो हमारा ये स्टार्टिंग जब हमने न्यू किया था तो उस टाइम हमने मिलीमीटर को डिफाइन किया था, तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका इंच है तो आप इंच पर भी जा सकते हो। तो जैसे मैंने मैट्रिक पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो ये सारे प्रोफाइल को आप चाहो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देखिए ये सारे प्रोफाइल को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो जैसे मेरा जो ये प्रोफाइल है, तो मैंने देखा कि जो मेरा प्रोफाइल है सर्कुलर स्लॉट, देखिए सर्कुलर स्लॉट से जो है हमारा ये मैच कर रहा है सर्कुलर स्लॉट से। तो डायरेक्ट सर्कुलर स्लॉट को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे और अपने इसे स्केचिंग विंडो पे डिफाइन कर देंगे। देखिए कुछ ऐसा हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये मैंने इस पॉइंट को मुझे इसे ड्रैग करके लाना है और यहाँ पे जो हमारा ये ओरिजिन है 0 0 मैंने यहाँ पे इसे डिफाइन कर दिया। देखिएगा मैंने इसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके, ये मैंने प्रोफाइल को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि मैंने इसको ड्रॉ कर लिया प्रोफाइल हमारा परफेक्ट बन गया, नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे डायमेंशन जो हमारे प्रोफाइल एक्सरसाइज नंबर 10 है इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ डिफाइन करना होगा। वो तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिएगा ये कुछ यूनिट इसके अकॉर्डिंग जो डिफाइन किए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो एंगल है इसे मैं 30 डिग्री डिफाइन कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और एंगल को मैंने 30 डिफाइन कर दिया। तो जैसे मैंने 30 डिफाइन कर दिया, ये जो हमारा प्रोफाइल है स्विच जो ये जो सेंटर से डिफाइन होता है ये स्विच होकर के यहाँ पे आ गया है। तो सिंपली क्या करना है हमें इस पॉइंट को यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं चाहता हूँ डिफाइन करना, बट यहाँ पे मैं एक लाइन में अपने सेंटर से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। देखिएगा एक लाइन
मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और इसे मैंने रेफरेंस एज ए रेफरेंस डिफाइन कर दिया। और इस पॉइंट को, इस पॉइंट से हम लोग क्या कर लेंगे, कॉन्सिडेंट, ये हमने कॉन्साइड कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट हम देखिए जो यहाँ पे एक्चुअल जो विवन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो विवन है आपका एक 80 का, ये 80 रेडियस यहाँ पे आपका यहाँ पे गिवन है और बाकी का जो दो स्लॉट है एक रेडियस 16 का और एक रेडियस 28 का है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे आर्क में जो हमारा ये आर्क है, आर्क वाई सेंटर, मैं इसे डिफाइन करता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए और इसे भी मैं कन्वर्ट कर लूंगा, सॉरी इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए। मैं इस प्रोफाइल को रेफरेंस में कन्वर्ट कर लिया और ये जो डायमेंशन जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो कर रहा था, मैं इससे पहले कंसीडर कर रहा हूँ रेपिड डायमेंशन में जाके इस डायमेंशन को मैंने डिफाइन कर लिया है। और जो रेडियस है, ये जो रेडियस था 80 का, मैं यहाँ पे 80 मैंने पुट कर दिया, देखिएगा ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे ये नीड था तो मैंने ये डिफाइन कर लिया। ये मेरा 30 चाहिए था तो इसको मैंने 30 डिफाइन कर लिया है और ये मेरा जो सेंटर आर्क है इसको मैंने 80 डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे एक रेडियस डिफाइन कर रहा है 2 का, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, जो ये इनसाइड का जो रेडियस है मैं इसे 16 डिफाइन कर दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ डबल क्लिक करके इसे 16 डिफाइन कर दिया। देखिएगा बहुत ही सिंपल, अगर मैं इस प्रोफाइल को बनाता तो थोड़ा सा टाइम टेकन था, बढ़िया बन जाता, मैं सिंपली इस आर्क रिस्पेक्ट में इसे ऑफसेट करके इसे ड्रो करता, बट देखिएगा इस कंसेप्ट से हमारा क्या हुआ, प्रोफाइल बहुत ईजी हमारा प्रोफाइल बन गया है। तो ये एक एडवांटेज है हमारा, जो जो गिवन प्रोफाइल था उसको डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं और कुछ टेक्निक थे उसको यूज करके हमने इसे डिफाइन कर दिया। और हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ये जैसे हमने इसको ड्रो कर लिया है यहाँ पे, देखिए अब ये नेक्स्ट तो कुल स्लॉट को भी ड्रॉ करना है, तो मैं सिंपली इसमें क्या करूंगा, मैं एक नया टूल का यूज करूंगा, वो टूल है हमारा ऑफसेट का। और ऑफसेट कैसे अप्लाई करेंगे, तो बेसिकली जो ये प्रोफाइल है इन दोनों के बीच का पहले हमें गैप को जो डिस्टेंस है इसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये आपका 16 है और ये 28 है, तो इन दोनों का जो बीच का जो हमारा जो डिस्टेंस होगा, देखिएगा मैं इसमें यहाँ से जो रेडियस में कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर, देखेंगे और ये हमारा रेडियस, अगर ये रेडियस की बात करूँ यहाँ पे, ये रेडियस इस पॉइंट से ये हमारा 16 का और ये 28 का डिफाइन कर रहा है, तो ये बीच का जो गैप होगा, मैं 28 पॉइंट्स अगर 16 कर दूँ तो मुझे ये बीच का जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। तो जैसे मैं 28 पॉइंट 16 करता हूँ तो जो मेरा गैप होगा वो ऑलमोस्ट 12 का है, ये 28 पॉइंट 16 करता हूँ तो ये मेरा 12 यहाँ पे वैल्यू आता है, ये बीच का डिस्टेंस है हमारे 12 पे है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ऑफसेट कर्व में जाना है और इस कर्व को हमें सिलेक्ट कर लेना है। इस कर्व को देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू था 12 था, जो भी वैल्यू हो, लेकिन हमें 12 चाहिए था तो यहाँ पे 12 ये विजन है, तो मैं यहाँ पे 12 को अप्लाई कर दे रहा हूँ। देखिए इस 12 को मैंने अप्लाई कर दिया, हमारा ये प्रोफाइल बन गया। देखिए बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट हमने यूज़ किया, देखिए कैसे हमने हमारा प्रोफाइल से उसको हमने अचीव कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसे रेफरेंस डिफाइन कर रहा हूँ और सर्कल में, एक सर्कल में यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ और उस सर्कल का जो रेडियस है 45 का है। तो सिंपली हमें क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे 45 तो डायमीटर इसका ये 90 हो जाएगा, तो मैंने डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे ये आर्क, तो इसे ड्रो करने का हमारे पास क्या मेथड है, तो मैं आर्क को यूज करके मैं यहाँ पे इसे डिफाइन कर लूंगा। और एक हमारा जो मेथड है वो सिंपली हम लोग यहाँ पे फिलेट को यूज करेंगे, यहाँ पे फिलेट को यूज कर रहे हैं। देखिएगा कैसे हम लोग फिलेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मैं सिलेक्शन का ये मेथड दिखेगा, मुझे यहाँ पे इस डायरेक्शन में फिलेट चाहिए, तो पहले मैं इस आर्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अगेन मैं इस आर्क को सिलेक्ट करूंगा। देखिएगा ये देख रहे ना ये, तो ये सिंपली हमारे ये डिफाइन हो जाएगा। बट अगर आप पहले इसको सिलेक्ट करोगे और फिर इसके बाद ये डिफाइन करोगे, देखिएगा जो मेरा डायरेक्शन है कुछ ऐसा डायरेक्शन है बट मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं पहले इस आर को और इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूँ। और जो रेडियस है हमारा यहाँ पे गिवन है आपका 10 का, ये 10 गिवन है, तो सिंपली यहाँ पे मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ 10 का। देखिएगा फिलेट में और यहाँ पे मैंने
चेन डिफाइन कर दिया। और अगेन देखिएगा, अब मैं यहां पे इस डायरेक्शन में क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे इससे और ये, अदरवाइज क्या होता हमारा रिवर्स डायरेक्शन में ये प्रोफाइल ड्रॉ होता, और यहां मैंने टेन पुट कर दिया। देखिए पहले मैंने इतने प्रोफाइल को मैंने यहां पर डिफाइन कर लिया है। देखिएगा अब हमें क्या करना है, ये प्रोफाइल का हमारा नीड नहीं है तो इसे मैंने यहाँ पर डिलीट कर लिया है, और ये एक्स्ट्रा पोर्शन भी मुझे नहीं चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्विक ट्रिम में जा रहा हूँ, और इसे भी मैंने ट्रिम करके रिमूव कर लिया। देखिए और इस हाफ पोर्शन को भी मैंने ट्रिम कर लिया है। बेसिकली हमें नीड का जो आर्क है इसे ड्रॉ करना है, और ये आर्क का जो डायमीटर वो गिवन नहीं है, तो आप रेंडम जो भी डायमीटर आपको देना आप दे सकते हो, उसे डिफाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये जो हाफ प्रोफाइल बन गया, अब सिंपली हमें क्या करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये मिरर कर्व है, मिरर कर्व में जाना है, इस हाफ प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है, और सेंटर लाइन, सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में से क्या कर देना, मिरर कर देना। देखिए ओके, ये हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। अब सिंपली सर्कल में जा करके मैं यहाँ पे 30 रेडियस का एक सर्कल डिफाइन करता हूँ, और देखिए ये हमारा प्रोफाइल जो है एक्सरसाइज नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा मेथड था, कुछ बेसिक मेथड था जिसको यूज करके हमने जो हमारा प्रोफाइल था 2D सेशन लाइब्रेरी का यूज करके हमने प्रोफाइल को ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे जो भी प्रोफाइल, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, अगर आपके जो भी एक्सरसाइज दिए उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको ऐसा कुछ मैच हो रहा हो तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ से आप यूज कर सकते हो, और जो भी डायमेंशन इसको डिफाइन करके आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 10। अब यहाँ देखिएगा जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 11 है, देखिए ये भी बहुत ही कंसेप्चुअल प्रोफाइल है, और देखिए प्रोफाइल में इसलिए कंसेप्चुअल बोल रहा हूँ क्योंकि जिस प्रोफाइल में कुछ कंसेप्ट, जैसे कि मान लीजिए जैसे ये प्रोफाइल है हमारे, यहाँ पे एक अच्छा सा कंसेप्ट हमारा आता है टेंजेंसी का, टेंजेंसी का यहाँ पर भी, और इसमें एक और कंसेप्ट क्या है, और नया जो भी कुछ नए टूल्स के बारे में जानते हैं, तो प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन होता है, वो सिंपल सा नहीं होता है कि हाँ उसमें हम लोग कुछ नए टूल्स के बारे में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे मैं लोग नए टूल्स के बारे में जानेंगे, वो टूल्स हमारा होगा पैटर्न का, और उस पैटर्न का टूल को यूज करके बहुत ईजिली इस प्रोफाइल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 11 में चलते हैं, तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर लिया, और बेसिकली ये करेंगे क्या, तो यहाँ पे मैं 3 सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और यहाँ पे भी 2 सर्कल से, यहाँ भी 2 सर्कल गिवन है, तो सिंपली क्या करना है, सर्कल में जाना है। नहीं मैं इसलिए बोलता हूँ कि एक बार में जो भी सर्कल है आप उसको ड्रॉ कर लोगे तो आपको क्या है, सिर्फ डायमेंशन को डिफाइन करना होता है, इसलिए जितने भी सर्कल गिवन है मैं एट ए टाइम उसको क्या कर लूँगा, ड्रॉ कर लूँगा। और जो रेडियस है देखिएगा, एक 55 डाया है आपका, यहाँ पे ये जो आउटर का डाया 55 है, और एक 38 का डाया है, और आपका देखिए ये रेडियस 10 का है, यानी कि 55 38 और आपका रेडियस 10 है 20 का। तो मैं यहाँ पे देखिएगा सर्कल में मैंने 55 डाया डिफाइन कर दिया। अब देखिए जैसे मैंने 55 डाया डिफाइन किया है, तो हमारा नेक्स्ट जो सर्कल है वो 55 डाया का बन रहा है, तो मुझे यहाँ पे 38 पुट कर देना है और इसे यहाँ पे डिफाइन कर देना है। ये कितना बेहतरीन फीचर्स है, जो नेक्स्ट है उसको 10 रेडियस था 20 का मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देखिए ये पहले मैंने काम कर लिया सेंटर, और आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ये 30 डाया है और आपका ये आउटर का 40 है, दोनों सेम प्रोफाइल है, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे एक 30 डाया है 30, तो मैंने यहाँ पे 30 सॉरी यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे एक 30 डाया का मैंने डिफाइन कर लिया है, और एक 30 डाया यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी मैंने एक डिफाइन कर लिया है, और एक हमें 40 क्योंकि रेडियस 20 था, तो एक यहाँ पे और यहाँ पर। ये इसका एक एडवांटेज है, देखिए मैंने बहुत ही ईजिली हमने क्या किया, सारे प्रोफाइल को एक बार में ड्रॉ कर लिया। और अब हमें क्या करना है, तो देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 100 का है, तो यहाँ पे जो डायमेंशन वो डिफाइन करेंगे, मैं यहाँ पे से 100 डिफाइन कर दे रहा हूँ। और ये काम क्या करना है, ये दोनों हमारा जो है, जो दोनों सर्कल का सेंटर है देखिएगा इस एक्सिस पे लाइक कर रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम हॉरिजॉन्टल लाइन में डिफाइन कर देंगे। देखिएगा बन गया हमारा काम,
अब देखिए ये जो डायमीसेंटर्स इसके बीच जो डिस्टेंस है 20 का है और ये 45 का है, इसे भी आप डिफाइन कर दो 20 और ये आपका 45 का है, तो इस पे डबल क्लिक करके इसे भी आप 40 डिफाइन कर दिए। देखिए ये 20 और 45 हमने डिफाइन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, तो आर्क को लेना है और इन दोनों के बीच का रिलेशन डिफाइन कर देना है। तो सिंपली आर्क में एक पॉइंट मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया और एक पॉइंट यहाँ, और सॉरी 3 पॉइंट आर्क में एक पॉइंट यहाँ मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। और देखिएगा एक टेंजेंट ऑलरेडी यहाँ पे हमारा डिफाइन हो चुका है, ये टेंजेंट यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। नेक्स्ट टेंजेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टेंजेंट डिफाइन कर देना है। और ये जो रेडियस है 98 का, ये रेडियस 98 को यहाँ पे डिफाइन कर देना 98। देखिएगा 98 हमने डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लाइन के थ्रू सिंपली हम लोग लाइन पे जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ देखिए टेंजेंसी और यहाँ भी, जैसे मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ देखिए टेंजेंसी, यहाँ पे टेंजेंसी शो कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे टेंजेंट अप्लाई कर दिया। बट देखिए जैसे मैं जूम करूँगा तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। अब चाहो तो क्विक एक्सटेंड का भी यूज़ कर सकते हो, देखिए क्विक एक्सटेंड जो हमारा है, सॉरी क्विक एक्सटेंड नहीं, इसको क्विक ट्रिम से करके इसको सिंपली यहाँ से यहाँ पे कट करके इसको हटा लेंगे, हमारा काम बन जाएगा, सिंपल सा है। अब यहाँ पर देखिएगा तो मैंने इसको यहाँ पे ये डिफाइन कर लिया है। अब सिंपली हमें करना क्या है, तो यहाँ पे ये एक फिलेट को डिफाइन कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिलेट में जाएंगे, बट फिलेट में हमें इस टूल को यूज करना है अनट्रिम को, क्योंकि ट्रिम को यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ट्रिम का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ प्रोफाइल रहता कि यहाँ से आकर के इसे डिफाइन होते हुए यहाँ पे ये रिमेनिंग प्रोफाइल नहीं रहता, तो हम लोग ट्रिम का यूज करते हैं, बट हमें नो ट्रिम का यूज करना है। अब ये सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ देखिए लेफ्ट से राइट में चाहिए था, नहीं तो एक ऊपर का डायरेक्शन में हमारा प्रोफाइल बनता। और ये रेडियस जो है हमारा 20 का है, फिलेट यहाँ से यहाँ और ये हमारा 20, जिससे हमने 20 डिफाइन कर दिया। ऑलमोस्ट हमने प्रोफाइल को अपने कंप्लीट कर लिया, बट यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट मैंने जो बोला था उसको हम लोग यूज करेंगे। और वो कंसेप्ट क्या है तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, इसे कन्वर्ट कर लेना है रेफरेंस में। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कह रहा है पीसीडी, तो पीसीडी ये पिच सर्कल डायमीटर को डिफाइन करता है, जिसका डाया 38 है। इस पर हमें 4 सर्कल को डिफाइन करना है, 4 सर्कल को डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपली सर्कल में जा रहे हैं और ये सर्कल जो है 4 होल डाया 12 का है। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि हमें 4 सर्कल को डिफाइन करना, मैं बेसिकली क्या करूँगा देखिए भाई, इस आर्क पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पॉइंट ऑन कर्व, पॉइंट ऑन कर्व पे जा करके हमें क्या करना है, 12 डाया का मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस सर्कल, अब ऐसा नहीं कि मैं 4 सर्कल को ड्रॉ करूँगा, 4 सर्कल को ड्रॉ करूँगा 1990 पे, नहीं, मुझे सिंपली क्या करना है, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है और वो जो फीचर्स है हमारा वो है पैटर्न कर्व का, पैटर्न कर्व का। तो सिंपली हमें पैटर्न कर्व में जाना है और पैटर्न कर्व में किसे पैटर्न करना है, तो सिलेक्ट कर्व, तो उस कर्व में मैंने सर्कल को ले लिया। और देखिए यहाँ पे जो लेआउट में देखिए यहाँ पे पैटर्न डिफिनेशन में लीनियर है, इसे सर्कुलर में कन्वर्ट कर देना है। और स्पेसिफाई पॉइंट यानी कि सेंटर के, तो सेंटर में मैंने इसे डिफाइन कर दिया, तो इस सेंटर में ये हमारा सेंटर हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, और स्पेसिफाई पॉइंट, ये पॉइंट क्यों, एक मिनट, रोटेशन पॉइंट, सॉरी मैं कंडू कर रहा हूँ, अगेन मैं एक बार ले रहा हूँ इस पॉइंट को और यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल और रोटेशन पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, देखिएगा तो सही है हमारा। और यहाँ पे देखिएगा अभी ये क्या डिफाइन कर रहे थे, काउंट एंड पिच, तो काउंट में जो नंबर ऑफ पैटर्न और ये पिच एंगल है ये 10 का डिफाइन हो रहा है, 10 पे ये डिफाइन हो रहा है, बट मुझे यहाँ पे
काउंट में सिंपली हमें क्या करना है, यहां पे हमें 4 पुट करना है, और ये जो एंगल है तो ये एंगल ये 90, देखिए 90 पे डिफाइन हो गया। और यहाँ पे और बहुत सारे फीचर्स है, एक है हमारा काउंट एंड स्पेन का, देखिएगा ये सब लोग क्लियर करेंगे। काउंट एंड स्पेन में क्या करता है कि आप टोटल आपको ये 360 पे कितने नंबर पैटर्न चाहिए, टोटल ये हमारा स्पेन एंगल 360 आ गया, उसमें नंबर पैटर्न पुट कीजिएगा तो ये डिफाइन हो जाएगा। और एक ऑप्शन है पिच एंड स्पेन, तो इसमें आपको देखिएगा पिच एंगल डिफाइन करना है और टोटल एंगल, क्योंकि अगर आपको जो भी जितने भी पैटर्न चाहिए उस पैटर्न को अगर आपको पहले क्या करना होगा, दो पैटर्न के बीच का एंगल को आपको फाइंड आउट करना होगा और टोटल एंगल उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो ये आप इसे डिफाइन कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड थे, सबसे बेस्ट है कि आप काउंट एंड स्पेन में जाओ, जिसमें ऑलरेडी हमारे 360 एंगल पे हमें जितना डिफाइन करना हो पैटर्न आप पुट कर दोगे, हमारा एक प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगा और मुझे कर देना है ओके। तो ये देखिएगा, तो बहुत ही इजी वे में हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हमने इस प्रोफाइल को ड्रॉ कर लिया है, और ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 11 था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12 और एक्सरसाइज नंबर 13 देखेंगे, और 14 भी बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल है। यहाँ पे जितने प्रोफाइल हैं सारे कंसेप्चुअल प्रोफाइल हैं, इस सारे प्रोफाइल को हम लोग एक और सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा एक हमारा कमांड बन जाएगा, जो हमारा ये स्केचिंग का है, नेक्स्ट स्केचिंग का है। क्लिक करके सारे प्रोफाइल को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप जो भी कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है आप लोग को क्लियर होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।